हे गाइस, कैसे हो आप सब? होप करता हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और आप भी मेरी तरह बहुत ही जल्दी उठते होंगे। आज हमारा प्लान है बाहर जाने का फिर से। क्या होगा हम दिखाते हैं, अभी तो पहले रेडी होते हैं। गाइस, इट्स अ पेड प्रमोशन। छल्ली वाले भैया ने हमें फ्री में दिया ये, ताकि हम छल्ली प्रमोट कर सके। हमें छल्ली, अगर आप भैया से छल्ली खरीदोगे तो आपको मिलेगा साथ में बारूद और काला जादूगर ने करी नींबू और एक और छल्ली किसी को और करिए। अपनी बात में ऐसे नहीं बोलते बाबा। अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। धुआं धुआं भाई धुआं। कैसा दोस्त? गाइस, ये बहुत ही अच्छी होगी। और अगर आपको ये चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक होगा, वीडियो उस पर जाए हिला और फॉलो बटन को दबाए। गाइस, हम तीनों जा रहे थे बाहर, तो हमने सोचा कि क्यों ना विदित भाई से भी पूछ लिया जाए। काम हेलो धंधा तो विदित है भाई, नहीं। क्या आप घर पे हैं? नहीं, सी ब्लॉक के मार्केट में हूँ। क्या बोर हो रहे हैं? पता नहीं पता नहीं क्या होता है बे। अभी तो क्या अभी आपको मतलब थोड़ी देर बाद बोर होऊंगा। भाई का क्या टाइम है आपको भाई, थोड़ी देर बाद जिंदगी बोर मैं आपको एक मस्त ऑफर दे रहा हूँ भाई, सब नोएडा चलने का। चलने का? नोएडा? नहीं नहीं भाई, तुम लोग एंजॉय करो। नहीं, 1 घंटे में आ जाएंगे हम। नहीं, मुझे पता है 1 घंटा कितने, 3 घंटे में तो अबे जाएंगे। सिर्फ हम तीन ही है और कोई नहीं है। नहीं नहीं भाई, तुम लोगों ने पढ़ लिया, मेरे को पढ़ना है, मैं पढ़ूंगा। भाई 4 सब्जेक्ट का पेपर है, वो भी चार एक सब्जेक्ट महीना का? चलेंगे हमारे, हाँ? उसमें भी भाई को पढ़ना है। सोचो, ब्रेकफास्ट हो गया, अभी मैं नहाने जा रहा हूँ, नहा के मिलता हूँ। गाइस फाइनली आई एम रेडी। भाई पूरा हिसाब दिखाया तो तेरे को मैंने, यहाँ पे थोड़ी हिसाब के ऊपर लड़ाई चल रही है। होगा ना, मेरे खुद को मेरा क्या भाई, मैं भाई पैसा भाई। गाइस आप सबकी वजह से मुझे इतना पैसा मिल रहा है, क्या ही बताऊँ, अपना सब सही है, भगवान की दया से। वही तो बात है, मैं अभी इससे 1400 रुपए निकलवाऊंगा। ठीक है, मैं 600 कम कराऊंगा। आज हम जा रहे हैं इलेक्ट्रिशियन की दुकान में। दीपांशु आउटफिट दिखा। दीपांशु भाई व्यूज आते हैं दीपांशु की वजह से भाई, क्योंकि दीपांशु अच्छे कपड़े पहनता है। ऑफेंड नहीं हो रहा मैं कंटेंट निकाल रहा हूँ। सिनेमैटिक शॉट लेना था, गाड़ी तो साफ कर लिया कर। ये सब क्या है, व्हाट इज दिस? गाड़ी वाले की दुकान बंद थी कल। देव की सोसाइटी देखोगे? ओए डॉग्स मत कर मेरे को, मैं रिवील कर दूंगा तो तुम लोग आ जाओगे। देव भाई बिग फैन, को पैसे कब मिलाओगे? तो मैं तभी दिखा नहीं रहा, फिर भी ऐसे थोड़ा बहुत दिखा रहा हूँ, जो कोई ऐसे आसपास रहता है तो उसको पता चल जाएगा। देव के घर से अभी हम निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं विदित भाई को लेने। विदित भाई आधे घंटे से अपने घर के बाहर खड़े हैं सोसाइटी के नीचे, और हम अभी तक रास्ते में आइए बोल के हम उनको दिलासा दे रहे हैं। जंगल से आ रहा है सर। अरे जंगल से आ रहा है भाई। अरे विदित भाई कैसे? अरे विदित सुन सुन, उधर से आ, उधर से आ। अबे व्लॉग के लिए, व्लॉग के लिए प्लीज प्लीज प्लीज, व्लॉग के लिए। चल आजा आजा आजा। कौन भाई, कौन भाई? अरे विदित भाई कैसे हो? विदित भाई, भाई पूरा तैयार हो क्या आए हो भाई तुम लोग? ये देखियो, ये तैयार होके नहीं आया, वो देखियो वो तैयार होके नहीं आया। कहाँ? ओ ये देख क्या पहना है मैंने नीचे। मैंने क्या पहना है देख? इसका तो मत ही बोलिए, ये इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे जा रही है। मैंने भाई इलेक्ट्रिशियन के साथ बोल रहे, जा डेट पे जा। एक सनकिस्ड वीडियो। ये क्यों लगाई है? ओ यहाँ पे लड़ाई हो। ऐसे अभी हमने पीछे देखा, पीछे लड़ाई चल रही है, तो हम यू टर्न लेके जा रहे हैं। क्यों? लड़ाई सुलझाने के लिए। लफड़ा व्लॉग गाइस, लफड़ा भाई का होता है। मेरे तरफ पुलिस ऐसी ही खड़ी है, लफड़ा नहीं हुआ। पुलिस क्यों खड़ी होगी ऐसे? फिर यहाँ लफड़ा हो जाएगा। नहीं फिर तू लफड़ा करेगा जाके, तो पुलिस को जाकर पेट पे उंगली करेगा। ये बता, कंटेंट के लिए करना पड़ेगा भाई। प्रोटेक्शन के लिए खड़ी हूं ये, मैं मान सकता हूं मैं प्रोटेक्शन के लिए खड़ी हूं। लड़ाई हुई है, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हुआ ब्रो। ये गाड़ी कहां से आ गई? कुछ भी। सॉरी गाइस, लफड़ा नहीं हुआ था, टक्कर हुई है। ग्रेटर नोएडा में यही होता है, हाईवे पे एक गाड़ी उधर से आ रही है, किधर से आ रही है पहले देखता। एक और आ रही है सामने से भाई, पर वो बंदी गाड़ी कैसे भाई, अभी पुलिस एक और अंकल ही नहीं है। विदित भाई व्हाट इज दिस? ये क्या इसमें लाइट्स में थे आज से लाइट्स कैमरा एंड भाई इसको छोड़ना, वो दिखाना भाई। तो टी-शर्ट मेरा भी किसी ने सही है ना, मुझेगा तो कैसे ठंडी होती क्या? अबे हां सुसु कैसे कर रहे हो भाई? तो बीच में कर दे क्या? गाड़ी लगा कर गई यहाँ पे, किसी भले इंसान ने पीछे गाड़ी लगा दी।
अब हमारी गाड़ी फंस चुकी है। अब मैं पूरा दिन क्या करूँगा, मेरा सारा करोड़ों का बिजनेस बंद हो गया। नुकसान चलता है यार, बिलियन में है वैसे भी। टाइम इज मनी यार। विद्युत भाई देखते हुए क्या कर सकते हैं। आइए भाई, ये सारे लगे हैं डिटेल फाइंड करने में। एक गाड़ी है किसकी? गाइस अंकल आ गए फाइनली। अच्छा हुआ ज्यादा टाइम नहीं लगा, 15 मिनट ही लगे मैक्स टू मैक्स। अंकल ने दूर से देखा तो अंकल पहले ही वो करने लगे, अनलॉक करने लगे कि मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ। दूर से धीरे धीरे चल रहे होंगे कहीं। आवाज आई है गाड़ी खुलने की। पेंटा बोल रहा है, पेंटा बोल रहा है उन लोग को, वो जो अंकल अंकल खड़े बोलते है। हम तो सोचते थे कि गाड़ी उठा के साइड कर दे, तू उठाएगा कैसे? यू गाइज मस्ट बी थिंकिंग कि मैं इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे और तुम लोग को क्यों दिखा रहा हूँ। तो वो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यू गाइज आर लाइक फैमिली टू मी। तो घर का काम चल रहा है, ठीक है? तो घर का काम है तो तुम लोग को भी देखना बनता है ना कि क्या क्या हो रहा है घर में। चलो मेरे साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, तुम बने रहो वीडियो में। विदित भाई नंगा होकर दिखाएंगे अभी। अभी हमने देखा है पुनीत भाई को, पुनीत सुपरस्टार को। पता नहीं वो अभी कंफर्म नहीं है कि भाई था कि नहीं। हम आगे थे तो हम यहाँ से यू टर्न नहीं ले सकते, तो हम गए नहीं गाड़ी रोक के, क्योंकि पुनीत भाई नंगे खड़े थे और ब्राउन कलर की चड्डी पहनी थी और एक गमछा भी लिया हुआ था और ऐसे ऐसे नागिन वाला कुछ ऐसे कर रहे थे। अगर ऐसी कोई रील आई तो हम समझ जाएंगे कि वो पुनीत भाई थे, दी गॉड लेजेंड। फिर कोई पुनीत भाई की फर्स्ट कॉपी, या कोई फर्स्ट कॉपी भी नहीं हो सकता भाई, पुनीत भाई जैसा कोई ज्यादा ही नहीं हो वैसा भाई। मैं बताता हूँ विद्युत भाई के लिए क्या लेंगे, हम डिसाइड करेंगे। विद्युत भाई आप पीछे रहो। विद्युत भाई ये चाहिए, ये फिट भी आ जाऊंगा इसमें पूरा आराम से आ जाएगा ना। सही है भाई ये देखिए जरा आराम से, और क्या सही है चीज है भाई, आराम से लेट रहो। लेटेंगे मजा नहीं आएगा बता कुछ। हाँ मजा तो है भाई, देखो लफड़ा हो गया, अभी आपको दिखाते हैं। आ जा इस बार हिट एंड रन का गैस था, हमने कुछ दिखाया नहीं क्योंकि भाई को काफी ज्यादा लगी थी तो अच्छा नहीं लगता वो। अब खाएंगे समोसे। देव भाई सीन क्या है, कभी कोई गाड़ी के पीछे कोई स्कूटी लगाया था, कभी गाड़ी लगाया था, कभी कोई गाड़ी ढोक देते, कभी कोई रोड पे कुछ कर्तव्य कर रहा होता है भाई। कुछ भी समोसा खा के तब तक आया नहीं, तो स्कूटी रखेंगे छत में विदित भाई के लिए एक और जुपिटर। भाई समोसा कितना टेस्टी है, गरम है भाई बहुत ज्यादा। देखो तो गरम है नहीं। ओए नहीं यार पर मेरे वाले पे हाथ नहीं आना चाहिए भाई। विदित भाई गोट नहीं लगता, गोट वो तो होना है। मैं शक्ल देख बहुत गरम है, मेरे नाम की स्पेलिंग क्या है जल्दी बता। आर आई एन डी ए देख लिया इसने, पीछे के पीछे तुमने देख लिया, तुमने देख लिया, मैं नहीं मानता कुछ भी भाई। पीछे कहाँ लिखा हुआ है मेरे नाम में भाई? एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग क्या होती है? बोले मेरे को भी नहीं पता, तू बता। क्यों रहा तू बता, फिर मैं बताऊंगा। मेरे को नहीं आती, तू बता। इतनी आती उतनी बोल, मेरे को नहीं आती, तू बता। इतनी आती उतनी बोल, मेरे को नहीं आती, तू बता। मैं आती नहीं, तू क्यों चुप रहा है? चल रही बात में समोसा वो छोड़ ना, सूडोपोडिया की बता स्पीड। मेरे को आती है उसकी जब बता भाई, बच्चे है क्या? पी एस यू डी ओ पी ओ डी आई ए, ये तो आसान है। एंटरप्रेन्योर ही होता हूं, ई एन टी आर ई पी आर ई एम ई यू आर। कहिए गाइस, जिस दिन स्पॉन्सर हो गया तो मैं बताऊंगा कहां पर है दुकान, क्यों समोसे अच्छे हैं। हां मैं आऊंगा, मेरे को बेस्ट फीलिंग है। मेहंदी लगी है भाई, आगे एक ही बंदा बैठता है पता है ना तुम्हें? भाई चल भाई, क्या कर रहे भाई, इसको समझा। भाई नहीं भाई, तू हमेशा बैठते आगे, मैं बैठता हूं। हां तो वही तो बात है, मैं हमेशा बैठता हूं, चल ना पीछे। विदित भाई मैं तेरी इज्जत करता हूँ ब्लॉग में, ठीक है? ऐसा ना हो कि ब्लॉग में सबके सामने मार पड़े तेरे को। कोई नहीं, पर मैं आगे बैठूंगा। अब मैं नहीं, हट ना, बैठना भाई। रुक, अरे दोनों आ जाओगे, रुक मैं गेट बंद कर रहा हूँ। ओए हाथ चल चल, अब आ जाओगे, हाथ अंदर कर, हाथ अंदर कर। क्या कर रहे, अब हाथ अंदर करना थोड़ा। विदित भाई को अच्छा इंसान समझता है। हुआ क्या था, रिटर्न नहीं हुआ गाइस, अब मैं बताता हूं। रिटर्न नहीं हुआ लेकिन एक बंदा आया, उसने गाड़ी रोकी, उतरा, एक बंदे को मारा, बैठा चला गया। मारा? हाँ उसको मारा और गाड़ी ली और भाग गया खुद अपनी गाड़ी ना। बंदा कल नोएडा वाले सीन हो रहे हैं यहाँ पे। क्यों इसको ठोक के भागा? वैसे ठोक के नहीं, उसने गाड़ी रोकी, उतरा, पीटा, बैठा चला गया। वेलकम टू नोएडा। नोएडा में सुबह से हमने क्या देखा, पहले एक हाईवे पे देखा एक गाड़ी, मतलब ऐसे ओपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं हाईवे पे, ऐसे वहाँ पे एक टक्कर हुई थी
उसके बाद हमने देखा विदित भाई को, उसके बाद हमने एक यहाँ पे ये लफड़ा देख लिया, फिर उसके बाद हमारी गाड़ी के पीछे पहले कोई और गाड़ी लगा के चला गया था, इस बार हमारी गाड़ी के पीछे स्कूटी थी। तो अभी हम जा रहे हैं घर, उम्मीद करते हैं कि अभी हमें ऐसा कुछ देखने को ना मिले। भाई ये एक्सप्रेस वे पे दूसरी साइड पे पूरा जाम लगा हुआ, पता नहीं कहाँ कितना लंबा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे पीछे अभी बस टूकी हुई है। भाई क्या क्या ही देखने को मिल रहा है आज। तो भी छोड़ दे, छोड़वा दिया गया है। विदित भाई से बाय टू द ब्लॉग। शतरंज के मैच के साथ हम ये ब्लॉग खत्म करते हैं। गाइस खतरनाक मैच चल रहा है अभी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you.